बुधवार को निषाद पार्टी के सुप्रीमो एवं माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के जनपद आगरा में सर्किट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिताने के लिए दमखम के साथ मेहनत करेंगे। लोकसभा चुनाव है और इस समय सभी की ये है कि निषाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। देश का प्रेम और सौहार्द ऐसे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा तीन है। लोकसभा चुनाव, जातीय जनगणना और हमारे विभाग की जो प्रगति है। अगर हम जातीय जनगणना पर आते हैं तो सबसे पहले देश को 1957 में हमारे लोगों ने इसी गंगा नदी में गंगा में जो वोट अंग्रेजों ने उन्हें 1200 पे क्रिमिनल कार्ड घोषित किया था, कानून से उजाड़ दिया था हमारी संतान आज के दिन में कुछ तो रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, झोपड़ी में घूम रहा है। ऐसे 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में है, 577 दूर प्रदेश में है। इसके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना था कि इनकी दशा SC ST से भी खराब। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तभी SC ST का एक्ट बन गया था। 1931 में सबसे बड़ी जनगणना हुई थी, एक बिलियन कुक की रिपोर्ट के अनुसार गणना हुई थी कि हुआ मजवार, हुआ लेदरमैन, हुआ वाशरमैन, हुआ मिल्कमैन, हुआ क्राफ्ट्समैन एंड हुआ एग्रीकल्चर कि कौन लोग हैं मजवार, कौन है लेदरमैन, कौन है। तो विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार ही सूची बनी कि लेदरमैन का मतलब होगा उतरा है बचना मुझे है बार गया, वाशरमैन हो गया हृदय बैठा कंडोजिया जो है जो भी हो गया, अकेवट मल्ला बिंद कैसे कहाँ हजार हो गया पूरा हो गया। 1931 से लेकर देश आज़ाद हो गया 1950 के बाद, जब देश आज़ाद हो गया तो सरकार नहीं थी, लेकिन 1991 गिनती होने लग गया था क्योंकि सरकार नहीं बनी थी। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के फतेह बहादुर सिंह ने सभी राज्यों जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों को कहा कि 1931-1941 के अनुसार जो जातियाँ जैसे गिनी जा रही थी वही मान लिया। 1951 में हमारे अनुसूचित में 1961 में भी गिनती हुई, 1952 में चुनाव हुआ, 1961 में हर 10 साल बाद गिनती होती है कि कौन सा अनुसूचित जाति की सूची में 1961 में गिनती हुई। अनु मतलब होता नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हें ये मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा सुरक्षित है, अब तुम्हें खानदानी सुरक्षा है, तुम्हारे बाप को मिला सर्टिफिकेट, तुम्हारा बेटा बेटी नाती सुरक्षित है, ये तुम्हें रेप बोलेगा उन्हें सजा मिलेगी, तुम्हारा कोई जमीन नहीं खरीद सकता और बजट बनेगा तो उसमें सीधे पैसा तुम्हारे नाम से आएगा, अनुसूचित नौकरी रहेगी तो उसमें अनुसूचित। तो मछुआरों 1961 तक हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे, लेकिन एक बेमान धोखेबाज पार्टी हमारे पुकारों नाम केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ हम सहानी लिखते हैं तमाम पार्टी पुकारों नामों को पिछड़ी में डाल दिया 1991 पिछड़ी में डाल के हमें धोखा दिया। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन करके हमें अनुसूचित में गिनती करा लिया तो राष्ट्रपति बड़ा होता देश का, इन्होंने एक कमीशन बनाया उसमें डाल दिया पुकारो नाम को डाल के हमारा नाम पिछड़े में डाल दिया, कहते तो पिछड़े को हम शामिल किया जाएगा। ये 30 साल से तो मैं 1930 से 1940 साल में अनुसूचित में था, 91 तक था, 30 साल हम 91 तक अनुसूचित में थे, 91 में OBC की लिस्ट बना के हमने डाल दिया। आज हम अब उस जो संवैधानिक सुरक्षा हट गई, हम अब लोकसभा में हमारे रिजर्वेशन खत्म हो गया, विधान परिषद में विधानसभा में हार जाएगी, ये धोखा कि हमारा गिनती पिछड़े में कराने जा रहे हैं। भाई जो हम गिनती 1961 में हम अनुसूचित में हो गई है तो हमारी गिनती हो, देखिए बेमान सरकार है कि बिहार में है हमारे निषादों को जो है पिछड़े में गिन के भूजा बना दिया। अब जो हमारे एग्रीकल्चर में है मान लीजिए कुर्मी है, पटेल है, उसमें चौधरी है, मल्ल हैं, पनम वर्मा है, उनकी एक गिनती है, मिल्कमैन की एक गिनती है, यादव फला फला, और हमारे निषादों को क्या कर दिया केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ दीवार रैकवाड़ रतन पुराया वहाँ बनपर जो है वहाँ जो है नोनिया है इस तरीके से माजी मजवार उनको 0.1% दिखा दिया। अब क्या मनोबल तोड़ना, और एक तो गलत हो गया कि हमारा पिछड़े में होना नहीं चाहिए, राष्ट्रपति ने बंगाल पहला देश आजाद होने पर बंगाल प्रांत था
उसमें केवट मल्ला पिंड जो है अनुसूचित में थे। जब बिहार अलग हुआ तो मेरी अलग हुआ पन्ना कहाँ गायब हो गया। आज के दिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो अनुसूचित जाति सूची उत्तराखंड में है, बिहार में पता ही नहीं हमें। तो ये जो विसंगति है मेहमानों ने हमें बर्बाद करके, हमारा जो अनुसूचित का हिस्सा है ये खा रहे हैं, हमारा जो संवैधानिक खानदानी सुरक्षा था छीन लिया, अब हम इनके पीछे पीछे घूम रहे। SC ST एक्ट लगता है, हमारा हिस्सा इनके पास जा रहा है, 27% आरक्षण का हिस्सा एक मिल्कमैन खा रहा, 23% का लेबरमैन खा रहा। तो ये जो विसंगति इसको दूर करने के लिए मैं एक अभियान चला पर्दाफाश, एक धोखेबाज SC आरक्षण के जो हमारा है ये धोखेबाजों का एक पर्दाफाश अभियान चला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, छपाई हम अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए, हम पिछड़े में हैं, पिछड़े की गिनती हो हम समर्थन करते हैं, कौन कितनी जात है क्या दशा है गिनती होनी चाहिए, लेकिन कौन कहाँ गिना जाएगा। 193 जातियाँ रोड पर घूम रहे, पाइपलाइन में कहाँ गिने जाएंगे जिनका कोई लटकुरा। तो ये 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जब सरकार थी, जाते जाते पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 उत्तर प्रदेश अधिनियम में धारा 13 में राज्यपाल का पावर है कि कौन जाति ओबीसी में रहेगी। इनके संस्कृति पर हमें राज्यपाल ने निकाल दिया, नोटिफिकेशन गजट हो गया। अगर हमारा गजट हो गया, हम पिछड़े नहीं है तो हमारे हमारा नाम पिछड़े में काहे लेते हैं, जब आप गजट करा दिए हो तो पिछड़े नहीं है, अनुसूचित के लिए केंद्र में ने कह दिया। तो हमारी जो विसंगति दूर हो तब गणना होनी चाहिए, मेरे कहने की जगह है। और ये गणना नहीं भूजा वाला होना चाहिए कि तोड़ दो अपने पौवा पौवा रोड को झगुआ वाल बना दो, हमारा झगुआ वाला रोड काट नाट के पौवा पौवा पिला के ले लो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आज उत्तर प्रदेश में हम जगा रहे हैं और आरक्षण को मोदी अमित शाह तक ये बात बता रहे हैं कि हमारा जो व्यक्ति हमारी गिनती अगर गिनती होती है तो हम पिछड़े में नहीं आना पहुंचे, अनुसूचित के अनुसार हमारा लोकसभा का चुनाव दूसरा लोकसभा है। आपने ऐलान कर दिया है कि निशा पार्टी अपने संबल में लड़ेगी 2024 चुनाव, लड़ने के लिए बनती है, लड़ाने के लिए बनती है,